हेलो मेहता साहब। हेलो अब्दुल, कैसे हो? इतने दिन कहाँ थे भाई? वो मैं गांव गया था। ओके, बोलो, कुछ काम था क्या? हाँ, आपसे कुछ बहुत जरूरी बात पे राय लेनी थी। ओके, तो आ जाओ मेरे घर पर। जी मेहता साहब। अरे अब्दुल, आ जाओ, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों हो भाई? मेहता साहब, मैं गांव गया था क्योंकि मेरे चाचा के लड़के की हादसे में मौत हो गई। अपने परिवार में कमाने वाला वो अकेला ही था। अरे रे, ये तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन उसके जीवन बीमा पॉलिसी से उनके घर की आर्थिक समस्या तो हल हो ही जाएगी। जीवन बीमा मकसद ऐसा कुछ भी नहीं लिया था और मुझे भी कुछ नहीं पता इस जीवन बीमा के बारे में। अरे अब्दुल, तुम्हारे बाद परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान यानी जीवन बीमा। मतलब मेरे बाद मेरे परिवार को आगे चिंता नहीं सताएगी। लेकिन मुझे एक बात पता नहीं चली कि मैं कैसे मान लूं कि मेरे साथ मरने के बाद मेरे परिवार को पैसे मिलेगा ही। अब्दुल, मेरे दोस्त, मेरे समझाने पर तुम्हें नहीं पता चलेगा, इसीलिए LIC मित्र को यहाँ बुलाता हूँ और तुम बेड़ी के साथ मिलकर पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करो। ठीक है मेहता साहब। नमस्कार गूगल धाम वासियों, मैं तारक मेहता आप सभी को LIC मित्र से परिचय करवाना चाहता हूँ। क्योंकि आज सुबह जब मुझे पता चला कि अब्दुल को जीवन बीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि आप सभी को यहाँ बुलाकर जीवन बीमा के बारे में ज्यादा जानकारी मिले और उससे जुड़ी समस्या का समाधान मिलने हेतु LIC मित्र को यहाँ बुलाया है। नमस्कार गूगल धाम वासियों, मैं LIC मित्र हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ से तारक मेहता के बुलाने पर आप सभी को जीवन बीमा से जुड़ी जानकारी देने के हेतु यहाँ आया हूँ। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर 1956 को अस्तित्व में आया था। ये उस समय की सभी छोटी बड़ी 245 जीवन बीमा कंपनियों को जोड़कर एक सूत्र में बांधा गया था। भारतीय पार्लियामेंट ने इसे संस्थापित किया है और ये पूर्णतया भारत सरकार की मालिकी में है। निगम के पास करीबन 48 तरह की पॉलिसियां हैं जो समाज के विभिन्न लोगों की जरूरत के हिसाब से है। भारत सरकार के विभिन्न लोक उपयोगी प्रोजेक्ट में हमारे पैसे निगम के द्वारा देश के विकास में जाते हैं। बीमा पॉलिसी हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा एवं बचत व उस पर इनकम भी देती है। अब बात करते हैं जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में। एक मिनट LIC मित्र जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस के 6 प्रकार हैं। टर्म पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, एन्युइटी पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ए भाई भिड़े, तू शिक्षक है या LIC एजेंट? तूने इंश्योरेंस पर PhD के लिए किया? गप्पा बस जेठालाल, तुम्हें तो केवल बिजनेस करना ही आता है, पर मैं तो एक शिक्षक हूँ, इसलिए मैं लाइफ की इम्पोर्टेंस समझता हूँ। तुम्हारा कहीं कड़क नहीं, मैं बोलू ना का? बिल्कुल सही भिड़े जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, जीवन बीमा हमारे जीवन में बहुत ही आग्रह की विषय वस्तु है, लेकिन इस बीमा पॉलिसी को अपनी जरूरत के हिसाब से लेना उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। टर्म पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस का सबसे पुराना प्रकार है, जिसमें पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद बीमा रकम वापस नहीं मिलती और यदि इस पॉलिसी के दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने पर ही बीमा रकम प्राप्त होती है। इस पॉलिसी में कम से कम प्रीमियम के सामने बड़ा कवर होता है, लेकिन आजकल ये पॉलिसी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। बिल्कुल सही LIC मित्रा जी, मैंने भी हमारे जरूरत के हिसाब से जीवन आनंद नाम की पॉलिसी ली है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 65 साल के बीच ये पॉलिसी ले सकता है। क्या भैया भाई, आदमी ये कैसे विचित्र पॉलिसी ली है, बिल्कुल आपकी तरह है। नहीं जेठा जी, अय्यर ने बिल्कुल सोच समझ कर ही पॉलिसी ली है और इस पॉलिसी की टर्म 5 से 57 साल की हो सकती है। इस पॉलिसी में अगर पॉलिसी की टर्म खत्म भी होती है तो मैच्योरिटी के बाद भी मृत्यु तक का रिस्क कवर होता है। और पॉलिसी मैच्योर होने पर सम अश्योर्ड और बोनस भी मिलता है, ताकि हमारे हाथ में एक लमसम अमाउंट भी आए। बबीता जी, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया यानी फाइनल। बाकी अय्यर भाई तो कुछ भी। और मैं क्या कहता हूँ बबीता जी, कि ऐसी पॉलिसियाँ बिल्कुल सोच समझ कर प्लान करके लेनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि। हाँ, इन्हीं सारी खूबियों को ध्यान में रखते हुए जीवन आनंद पॉलिसी बनाई गई है।
जैसे अय्यर भाई ने अपने लिए जीवन आनंद पॉलिसी चुनी है, वैसे ही तारक ने हमारे लिए जीवन साथी पॉलिसी चुनी है। ये पॉलिसी 20 से 50 साल की उम्र के कपल ले सकते हैं। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी 70 साल की है और टर्म 15 से 30 साल की है। ये पॉलिसी हमारे जैसे ही सभी कपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पॉलिसी की मैच्योर पर सम एश्योर के साथ बोनस भी मिलता है, और अगर पति या पत्नी में से किसी भी एक की मृत्यु होने पर जीवित व्यक्ति को बीमा रकम प्राप्त होगी, और इसका उसका इंश्योरेंस तो चालू ही रहता है, यानी कि एक पॉलिसी दोनों के भविष्य की केयर लेता है। बिल्कुल सही, जीवन साथी पॉलिसी में ही सारी बातों का समावेश होता है। कैंसर मतलब कैंसर, भाई ये सब बात छोड़ो। मैंने तो अपने लिए LIC की एंडोमेंट पॉलिसी ली है, जिसमें 12 से 65 साल की कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। भाई इस पॉलिसी की टर्म 5 से लेकर 55 साल तक की हो सकती है, और इसकी मैच्योरिटी की उम्र महत्तम 75 साल हो सकती है। ये पॉलिसी मेरे जैसे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बनाई गई है, और मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानने वाले इसमें निवेश कर सकते हैं। भाई पॉलिसी मैच्योर होने के बाद सम एश्योर और बोनस तो मिलता ही है। लेकिन बड़े लाल, तुम्हारा शादी नहीं हुआ तो तुम्हारा नॉमिनी कौन बनेगा? ए भाई अय्यर, पॉलिसी उसने ली है तो तुमको क्या है, हम पंचायतियों से। बड़े लाल, तुम अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मैंने तो मेरी सोनू के लिए LIC का चाइल्ड फ्यूचर प्लान लिया है। घर का एक मेव वडील होने के नाते मैं सोनू का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ। इस पॉलिसी के तहत सोनू के भविष्य की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है। इस पॉलिसी में 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चे की पॉलिसी ली जा सकती है, जिसकी मैच्योरिटी उनकी 23 से 27 साल तक की हो सकती है। इस पॉलिसी की टर्म 11 से 27 साल की होती है। ये पॉलिसी मैच्योर होने के 5 साल पहले से ही हर साल रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। ए भाई भिड़े, हम तो बिजनेसमैन है, हम तो मुनाफे की सोचते हैं, इसलिए मैं तो एकदम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया है, यही बोलना चाहते हैं ना, इसीलिए टप्पू के पापा ने LIC की एंडो पॉलिसी ली है। दया, एंडो पॉलिसी नहीं, एंडोमेंट प्लस पॉलिसी। नॉनसेंस भाई, इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट और जीवन बीमा दोनों मिलता है, यानी कि पॉलिसी के दौरान मैं ना रहूं तो। जी, ये क्या कह रहे हो टप्पू के पापा? अरे मैं सबको पॉलिसी समझा रहा हूँ दया। तो टप्पू के पापा मैं समझाती हूँ, इसमें 60 से लेकर 60 साल तक की कोई भी व्यक्ति पॉलिसी ले सकती है, और मैच्योरिटी की उम्र 18 से 70 साल तक की होती है, और इस पॉलिसी की टर्म 10 से 20 साल तक की होती है। ए दया, शांति जी बोल रहे, हमारे प्रीमियम की रकम से यूनिट लेते हैं जो बॉन्ड, सिक्योरिटी बैलेंस फंड या ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किए जाते हैं, और पॉलिसी के मैच्योर होने पर बीमा रकम या फिर जो भी यूनिट लिए हैं उसमें से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। इस पॉलिसी में 5 साल के बाद अपने यूनिट्स बेच सकते हैं, यानी अगर मुझे अपने पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं उसे 5 साल के बाद ले सकता हूँ, और मुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। ये पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट मार्केट का लाभ और देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट संस्था के अनुभव का लाभ भी मिलता है, और उसमें जीवन बीमा तो है ही। ए भाई भिड़े, तू जिसे वेस्ट बोलते है ना, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते है। LIC मित्र प्रा, मैंने तो अपने वास्ते LIC की पेंशन प्लस पॉलिसी ली है। साढ़े नाल कोई पेंशन दी स्कीम तो नहीं है, तो बुढ़ापे का कोई इंतजाम तो करना ही था। वो मेरे यार लक्की सिंह ने मैंने एडवाइस किया कि ये स्कीम बड़ी चंगी है। हाँ रे बाबा, रोशन ने तो एकदम सुझो प्लान लिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी कम है और स्टेडी इनकम भी दिलाते हैं, और चाहो तो उसमें ही इंश्योरेंस भी ले सकते हो। पॉलिसी की मुदत खत्म होते ही आपका जो फंड है उसमें से आप चाहो तो 1/3 ले सकते हो, और बाकी का फंड से आपको पेंशन मिलता है। ओए बिल्कुल सही है रोशन मेरी जान, ये पॉलिसी 18 से 75 साल तक का कोई भी बंदा ले सकता है, और इसकी टर्म 10 साल की होती है। इसकी मैच्योरिटी पर रेगुलर इनकम भी मिलती है। ओए मेरे गराज का बिजनेस कोई सरकारी नौकरी की तरह तो नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले, तो मैंने खुद ही अपना रिटायरमेंट प्लान LIC की पेंशन पॉलिसी लेके बनाया। सही बात है, एक डॉक्टर होने के नाते
मैं आप सबको जीवन बीमा करवाने का खास अनुरोध करता हूँ। वैसे तो मेरी फैमिली के हर एक मेंबर का जीवन बीमा है, पर मेरे डॉक्टर एसोसिएशन ने भी सभी मेंबरों का ग्रुप इंश्योरेंस करवाया है। इस पॉलिसी में मेरी एसोसिएशन की फीस में से प्रीमियम भरा जाता है। जैसे सभी मेंबर का अलग जीवन बीमा बनवाया जाता है, इस पॉलिसी की खासियत ये है कि ये पॉलिसी मूल रूप से टर्म इंश्योरेंस जैसी ही है, जिसमें टर्म के दौरान मेंबर की मृत्यु होने पर बीमा रकम उनके परिवार को मिलती है। तो अब्दुल समझे ना कि गोकुलधाम में रहने वाले हर एक सदस्य का जीवन बीमा है। इसीलिए तो LIC कहती है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, जिसे सही तरीके से समझना भी बहुत जरूरी है। मैं आपका LIC मित्र और सभी गोकुलधाम वासियों का आभारी हूँ कि सबने मुझे जीवन बीमा के बारे में सारी जानकारी दी। धन्यवाद। अरे अब्दुल, अगर धन्यवाद देना है तो कुछ खाने का बंदोबस्त तो कर दो। LIC मित्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज मार्केट में बहुत सारे जीवन बीमा कंपनियां हैं, तो सिर्फ LIC ही क्यों? इसके बारे में हमारे गोकुलधाम वासियों को जानकारी दे। मेहता साहब, मैं आपको LIC के बारे में बताना चाहूंगा कि आज ये भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसमें करीबन 12 लाख एजेंट, 8 जोनल ऑफिस और 114 डिविजन ऑफिसेस है, और स्टॉक मार्केट में भी LIC का बहुत बड़ा योगदान है। आज इसकी संपत्ति करीबन 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी द्वितीय संस्था है और इसकी पॉलिसियों के पैसे भारत सरकार द्वारा सुरक्षित है। हाँ गोकुलधाम वासियों, LIC ही एकमात्र बीमा निगम है जो 95% क्लेम रेशियो अपनी वेबसाइट पर दिखाती है, और इनका क्लेम रेपिटेशन भी एकदम निग्लिजिबल है। इनका क्लेम परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया और आउटस्टैंडिंग क्लेम भी निग्लिजिबल है। गोकुलधाम वासियों, ये हमारी और हमारे विकास के लिए काम करने वाली संस्था है। यहाँ मुनाफा नहीं है, सरप्लस है, जिसमें से 5% सरकार को दिया जाता है और बाकी का 95% उसके पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के रूप में बांट दिया जाता है। एक और बात कि LIC की सभी पॉलिसियां सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और इनकम टैक्स के ATC या ATD के तहत डिडक्टेबल भी है। यानी कि अगर आप जीवन बीमा का प्रीमियम भरते हैं तो वह प्रीमियम की रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राहत देती है। यदि आप जीवन बीमा रखते हैं तो आपको 3 फायदे होते हैं। पहला जीवन बीमा, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा इनकम टैक्स डिडक्शन। तो अब आप ही बताइए कि सिर्फ LIC ही क्यों? प्रॉब्लम है, अंदर सॉल्यूशन है। तो अब आप ही Thank you, Nilang, Anjit and entire team of MS University postgraduate students. Mitro, pasand aavyo? Yes. To phari ek baar zordar taaliyo thi jaye loko maate. To have pachi, Nilang, Anjit, thank you very much. Busy meeting ma. I am Jivita Patel. I am Ketul Dadvi. I am Jethwa Jignesh. I am Harpreet Singh Minas. Myself Riddhi Chauhan. Myself Jitesh Prajapati. And I am Ankit Vagela, and we all are students of Banking and Insurance of MS University. Thank you.